जी नमस्कार, मैं सुनील शर्मा। देखिए, मैं इस वीडियो लेशन में, जो कि वीडियो लेशन नंबर 4 है, मैं इस वीडियो लेशन में आपके लिए जिस इवेंट पर हम जो भी बात करते हैं, जिस भाषा में करते हैं, चाहे हमारी वो कोई भी भाषा हो, लेकिन जो सिचुएशन होती है उसी के अकॉर्डिंग हमें शब्दों का, सेंटेंसों का यूज करना होता है, और विद एक्सप्रेशन। यदि बात खुशी की है तो हमारी खुशी के शब्द होंगे और उसको उसी तरह से हम एक्सप्रेस करेंगे, और जब बात दुख की आती है तो उसको भी हम उसी टाइप के शब्द होते हैं और उसके एक्सप्रेशन भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अपने फेशियल बीरिंग होते हो। तो यहाँ पर हम सेंटेंस की बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस इन स्पीकिंग एंड ग्रामर। जो भी है हमारा जो कोर्स है वो इंग्लिश ग्रामर प्लस स्पोकन एलिमेंट्री कोर्स कॉन्सेप्ट के साथ हम स्टडी कराएंगे अपनी वीडियो लेशन में। तो आप समझ लीजिए यहाँ पर कि हम जो यहाँ पर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको बता रहे हैं, जैसे कि हमने बताया कि जिस सिचुएशन होती है उसी तरह से हम वार्तालाप करते हैं, वही हमारे सेंटेंस और शब्द होते हैं। तो समझने वाली बात यहाँ पर यह है कि देखिए, सबसे पहले जो सेंटेंस का टाइप है वो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। देखिए, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की आप बताते हैं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में हम किस तरह की बात को, हम जो सिचुएशन है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि कहने का मतलब ये कि हम उस वक्त जब हम किसी सिचुएशन के, यानी कि रिग्रेट पर हो, यानी रिग्रेट का मतलब है कि अगर हमें किसी बात को लेकर हमें पछतावा हो, यानी कि हम अब चाहे किसी काम को करने या ना करने पर पछता रहे हों, जो भी काम हमसे गलतियां हुई हैं उसके पछताने वाली बात को जब कभी भी हम कहेंगे तो उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरह उसमें यूज करते हैं। और सरप्राइज के लिए भी, और जॉय के लिए भी, और मौन डीप सॉरो, यानी कि बहुत बेहद दुख की बात हो, बहुत बड़ी, यानी कि कुछ इंजॉय या जॉय यानी कि खुशी की बात हो, या यहाँ तक कि सरप्राइज की बात हो, तो वो सब हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आती है। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हम आपको बताते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस जो है, ऑप्टेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें हम अपनी विश यानी डिजायर, इच्छा को एक्सप्रेस करते हैं। जब हमें, अब यहाँ तो हमने रिग्रेट को, सरप्राइज को, जॉय को और मौन को एक्सप्रेस किया है जो कि एक्सक्लेमेटरी है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है कि ऑप्टेटिव, तो जहाँ पर हम विश और डिजायर, अगर हमारी इच्छा है किसी बात को लेकर, यानी किसी काम को लेकर, या किसी प्रति के, किसी व्यक्ति के प्रति हमारी कोई भावना है अच्छी, तो उसको हम जब भी कहेंगे तो वो हमारे वो ऑप्टेटिव सेंटेंस के टाइप्स में वो सेंटेंसेज आते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका इम्फेटिक सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस वो होते हैं यदि हमें किसी बात को, अपनी बात को रखना है, यानी कि अगर हमें अपनी बात को सत्य, यानी कि यदि हमें, कहने का मतलब ये कि कोई व्यक्ति मान लीजिए हमारा विश्वास नहीं कर रहा है हमारी बात पर, हमने एक बार बात कही लेकिन उसको विश्वास नहीं आया, तो हम उसी बात को थोड़ा सा फोर्सली कहेंगे, यानी वेल डिफाइंड अच्छी तरह से उनको थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएंगे या कुछ जोर देकर बोलेंगे ताकि उस व्यक्ति को विश्वास हो जाए, तो वो हमारे सेंटेंस इम्फेटिक सेंटेंस कहलाते हैं। नेक्स्ट आता है आपको, एक बात और बता दें कि इम्फेटिक में जो यहाँ पर बताया गया है कि एक तो हमारे शब्दों से इम्फेटिक सेंटेंस बनेगा, दूसरा हमारे एक्सप्रेशन से, यानी अगर हम उसको थोड़ा सा तेज, यानी कि थोड़ा जोर देकर बोलें, और अपने एक्सप्रेशन भी बीरिंग होनी चाहिए उस सिचुएशन के हिसाब से, ताकि व्यक्ति हमारी बात पर विश्वास करे जो हम कह रहे हैं वो सत्य है। अब नेक्स्ट देखिए इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में बहुत डिफरेंट सिचुएशन को एक्सप्रेस करते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर हमें किसी व्यक्ति को इंस्ट्रक्ट करना है, इंस्ट्रक्ट का मतलब उसे हिदायतें देनी है, उसे जानकारी हासिल करानी है किसी भी काम से संबंधित, किसी भी सिचुएशन से संबंधित, या कोई कौशन जो वर्ड का यहाँ पर, यानी कि कौशन जो कि कहीं प्रोविजन है, यानी कि खतरा है कहीं, तो उस व्यक्ति को पहले से सचेत करना, तो वो सब हमारे इंपरेटिव में आते हैं। यहाँ तक कि अगर हम किसी व्यक्ति से रिक्वेस्ट करते हैं वो भी इंपरेटिव है, अगर हम किसी पर्सन को ऑर्डर देते हैं किसी काम के लिए तभी वो इंपरेटिव है, एडवाइस या सजेशन देना, यानी ये सारी बातें, ये जो सिचुएशन है, जब कभी भी हम जिस सिचुएशन पर होंगे, जिस इवेंट पर होंगे, उसी तरह के हमें सेंटेंसेस का यूज करना होता है। तो यहाँ पर हमें एक्सप्लेन करने वाली बात ये कि एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है, इम्फेटिक है, इम्फेटिक है, इम्परेटिव है, ये टाइप ऑफ सेंटेंस हम कब, क्यों, कैसे यूज करते हैं, तो ये सब हमने आपको बताया है। देखिए कुछ एग्जाम्पल हम आपको बता दें कि जैसे कि सरप्राइज और रिग्रेट क्या है। रिग्रेट में आगे हम इसकी डीप स्टडी करेंगे, कुछ वीडियो हमारी आगे आएंगी कि रिग्रेट हम किस वर्ड की हेल्प से करते हैं। जैसे रिग्रेट की बात है, अगर हमने किसी
कोई काम ऐसा था जो हमें करना चाहिए था और हमने नहीं किया, और आज उस बात को हम, वो चीज हमारे सामने आ रही है, तो हम उस काम को लेकर रिग्रेट, यानी कि अब हम पछता रहे हैं। एक तो हम किए भी पछताते हैं और ना किए पर, तो उस टाइप से यूज होने वाले, जैसे कि आगे हम आपको बताने जा रहे हैं कि रिग्रेट बहुत बहुत एडवांस टॉपिक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पर, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे ये काम करना चाहिए था, इतनी मैंने इतने जो बात बोली, सेंटेंस बोला हिंदी में कि ये काम मुझे करना चाहिए था, इसका मतलब इस सेंटेंस से ये क्लियर हो गया कि मैंने कार्य वो नहीं किया था, इसका मतलब है आज मुझे उसकी जरूरत है। अगर काश मैं उस काम को कर लेता तो आज मैं पछताता नहीं, तो कहने का मतलब इसको रिग्रेट बोलेंगे। अब इस टाइप की इंग्लिश को कैसे बनाएंगे, ऐसे कामों में हम पास्ट की बात आती है, रिग्रेट हमेशा फ्यूचर के लिए तो कभी नहीं होता है, पास्ट के लिए प्रेजेंट में रिग्रेट यूज होगा। जैसे इसमें शुड हैव का यूज होगा, किसका, शुड का यूज हैव के साथ करेंगे पास्ट के लिए, तो आई शुड हैव डन दिस वर्क बट आई डिडंट, तो ये हमारा रिग्रेट का एक सेंटेंस हो गया। सरप्राइज क्या है, जैसे कि सरप्राइज के सेंटेंस, सरप्राइज जैसे कि दैट्स मीजिंग, यानी कि हमें विश्वास नहीं होता, आई डोंट बिलीव इट, इस टाइप से सेंटेंस होंगे। जॉय को, यानी कि जॉय को भी एक्सप्लेन करना, इस टाइप से हमारे मौन, यानी कि सोरो, सोरो में दुख को, जैसे इसमें आलस आता है, बहुत दुख वाली बात आती है, इस टाइप से। और यहाँ पर जो विश डिजायर हमने आपको बता दिया, तो यहाँ पर हमें केवल यहाँ पर एक्सप्रेस करना था कि हम किस तरह से इनको यूज करेंगे। तो आगे आने वाली जो सेंटेंस होंगे हम इसको बताएंगे, फिलहाल तो हम इसमें सेंटेंस की आपको फुल जानकारी दे रहे हैं कि जिस इवेंट पर, जब कभी हमें जो भी बात करनी है, उस टाइप से हमारे सेंटेंस यूजेस होते हैं। अब नेक्स्ट सेशन हम आपको बताते हैं कि टू टाइप्स के सेंटेंस हो रहे हैं, वो इस वीडियो में हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर एक टाइप है हमारा, यानी कि फोर नंबर, यहाँ पर फाइव, देखिए एक और होता है हमारा एसर्टिव, एजेटिव, और इसको बोलेंगे हम एफर्मेटिव। एजेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस, देखिए इनका यूज होता है, हम जब किसी बात को इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी किसी पर्सन को हम कोई भी बात बता रहे हैं, तो उस बात पर हमें अपने को कितना विश्वास है, अगर हम कोई बात विश्वास के साथ बोल रहे हैं, यानी एश्योर हैं, फार्म बिलीव है हमें उसे, तो ये जो वर्ड हमने लिखे हैं एजेटिव और एफर्मेटिव, इंग्लिश ग्रामर की बुक में केवल एजेटिव को पॉजिटिव सेंटेंस में लिया गया है और इन नेगेटिव को अलग लिया गया है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताएंगे यहाँ पर, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जरा ध्यान से समझेंगे कि ये कंफ्यूजन दूर होगा यहाँ पर सभी का, अगर आप इस वीडियो को देखेंगे और आप इस स्थिति को समझेंगे कि हम यहाँ पर जो एजेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस है इनका एक ही टाइप होता है, मतलब इनका एक ही है। तो हम यहां पर लिखेंगे टू इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म, किसी व्यक्ति को हम इन्फॉर्म कर रहे हैं, किस तरह से, मतलब उसको इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने आप को, मतलब एजोर के साथ, इन्फॉर्म, टू इन्फॉर्म समवन, समवन यानी किसी व्यक्ति को, समवन ट्रूली या ट्रूथ, देखिए हम किसी बात को बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ बता रहे हैं, तो उसको हम एफर्मेटिव या एडजेक्टिव सेंटेंस बोलते हैं। यहां पर एक चीज और बताएंगे कि इनके जो टाइप्स हैं वो टू होते हैं, जैसे पॉजिटिव सेंटेंसेस और दूसरा नेगेटिव देखिए। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस बोथ आर इन एजेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी कि यहां पर आप समझ लीजिए कि पॉजिटिव सेंटेंस हो या नेगेटिव हो, यदि कोई भी काम किया, अगर हमें जो इंफॉर्मेशन है चाहे वो नेगेटिव है, यानी कि चाहे वो उसमें व्यक्ति ने काम किया था या नहीं किया है, किया है या नहीं किया है, बात यह है,
कोई भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, चाहे वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, लेकिन जो व्यक्ति इन्फॉर्म कर रहे हैं यानी इन्फॉर्मर है यहाँ पर, क्या मतलब इन्फॉर्मर, एक नोट वाली बात है यहाँ पर, हम नोट करके बता देते हैं, नोट कि इन्फॉर्मर यानी कि इन्फॉर्म करने वाला व्यक्ति को हमने क्या नोट किया है, इन्फॉर्मर इज पॉजिटिव, इज पॉजिटिव फॉर बोथ, बोथ मतलब बोथ साइंटिस्ट यानी दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए, जो इन्फॉर्मर है वो अपने लिए पॉजिटिव है यानी कि उसे अपने पर विश्वास है। इस केस में हम दोनों ही सेंटेंस के यूज करते हैं, एसेटिव में और एफेमेरिटिव में, जो इन्फॉर्मेशन है हमारे पास वो ट्रुथ है, सत्य है, चाहे वो पॉजिटिव है इन्फॉर्मेशन या नेगेटिव है, लेकिन जो व्यक्ति इन्फॉर्म करने वाला है वो अपने लिए अपने आप को पॉजिटिव है यानी कि वो जो भी कह रहा है वो सत्य कह रहा है, तो उसको हम एजेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस में यूज करते हैं, उनको हम बताते हैं। लेकिन बुकों में यहाँ पर कंफ्यूज किया गया है, उन्होंने नेगेटिव को एफर्मेटिव और एजेटिव में यूज नहीं किया है, उन्होंने नेगेटिव सेंटेंस को अलग से यूज किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम इन शब्दों पर जाएं, आप इनका मीनिंग देखें, डिक्शनरी में देखें, इंटरनेट की हेल्प से देखें, तो बोथ वर्ड आर सेम, एफर्मेटिव में और एजेटिव में कोई अंतर नहीं है। ये एजेट जो वर्ड बना है एजेटिव, ये बना है एजोर से, और एफर्म जो वर्ड बना है वो फार्म से बना है, फार्म ब्लिप यानी ट्रुथ शब्द जो है। जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेना चाहेंगे, हमने एक सेंटेंस बोला, हमें ये जानकारी मिली कि वो यहाँ पर आ रहे हैं, यानी नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हैं कि वह यहाँ पर आ रहा है, ही इज कमिंग, ठीक है, तो पॉजिटिव सेंटेंस हो गया ही इज कमिंग, और यहाँ पर हमने बोला वह नहीं आ रहा है तो ही इज नॉट कमिंग। तो कहने का मतलब हुआ कि जो हम इन्फॉर्मर है, जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है, वो हमारे लिए, हम उसके लिए पॉजिटिव है, भले ही सेंटेंस नेगेटिव है हमारा, उससे कोई फर्क नहीं है, यानी कि एक्शन कार्य हो रहा हो या ना हो रहा हो, चाहे सेंटेंस पॉजिटिव हो या सेंटेंस नेगेटिव हो, लेकिन हम पॉजिटिव है, या तो उस दोनों केस में हम पॉजिटिव और नेगेटिव इसी में यूज करते हैं। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस है, यहाँ पर हमारे कंफ्यूजन दूर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट आता है इसमें नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अब आप पढ़ेंगे वो है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव देखिए क्वेश्चन मार्क, हमने इस वीडियो लेसन से, यानी वीडियो लेसन जो हमने इससे पहले बनाया, यानी कि सेकंड जो वीडियो लेसन है हमारी, आप उसको वॉच करें, देखें हमारे चैनल पर जाकर, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरा नाम सुधीर शर्मा है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसमें जितनी भी अपकमिंग वीडियो है उनमें हम कंप्लीट स्पोकन एलिमेंट्री प्लस ग्रामर कॉन्सेप्ट विद इंटरनेशनल कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट के व्यू पर आप हम आपको समझाएंगे। हम अपने कोर्स में सिलेबस में कोई भी एलिमेंट मिस नहीं करेंगे ताकि आपको स्टडी के दौरान फ्रस्ट्रेट होना पड़े, हर टॉपिक को पूरी तरह से उसके कंप्लीट एलिमेंट को, कंप्लीट एटीट्यूड्स को एक्सेस करके आपको समझाया जाएगा। यह एक ऐसी इंग्लिश की क्लास होगी आपकी जो आपको बुक में आप देखें जितनी भी बुक्स हैं उसमें रूल्स को पढ़ेंगे आप, लेकिन हम जितने भी लेसन आपको पढ़ाएंगे वीडियो लेसन में, आप उनको प्रॉपरली वॉच करें और आने वाली सारी वीडियो को वॉच करें, अपने सिलेबस को डेवलप करें, क्योंकि यहाँ पर हम जो भी पढ़ा रहे हैं वो एक प्रैक्टिकल यानी कि आज की जो दुनिया है, पहले हम केवल बुकों पर डिपेंड थे, जो बुक में दिया है उसमें विश्वास करते थे, लेकिन बुक के जो मेथड्स हैं और बुक में जो एलिमेंट मिस है बहुत हमें कन्फ्यूज करता है, इससे हमारा डेवलपमेंट नहीं हो पाता इंग्लिश का, और हम कन्फ्यूज रहते हैं, कोई चीज़ हमारी पूरी तरह समराइज नहीं होती, सिस्टमेटिक नहीं बन पाती, ये बहुत बड़ी वजह है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने भी पहले बहुत मेहनत करी थी, बहुत स्टडी की थी, लेकिन बड़ा कन्फ्यूज हुआ, लेकिन जब हमारा कम्युनिकेशन क्रॉस हुआ इंटरनेशनल जो कंपनीज हैं, जो हमारे जॉब स्किल सीनियर यूज हैं, तो हम प्रैक्टिकली लाइफ में आए, उस अच्छा सिलेबस हमें इंटरनेट से एक्सेस किया और हमने इसको समझा, तो हमें ये जाके लगा कि हाँ कि एजेटिव और एफर्मेटिव और इस टाइप से आने वाले बहुत सारे हमारे सिलेबस हैं इंग्लिश में जो हम पढ़ेंगे, कि डिफरेंट जो बुकों में जिस तरह से दिया है एक्चुअल में वैसा रियल लाइफ में और आगे आने वाली जो कॉम्पिटिटिव लेवल है उसमें ऐसा नहीं है। और हमारी जो वीडियो लेसन इससे जो वीडियो लेसन सेकंड है या थर्ड वर्ड हमने इस पर अपलोड की हुई है अपने चैनल पर सुधीर शर्मा पर, तो आप देखेंगे जो मेरे नाम से सुधीर शर्मा जो चैनल है हमारा, तो उस पर आप देखेंगे कि मैंने उसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस को
बहुत अच्छी तरह से समझाया है। इसमें मैंने ओपन क्वेश्चन, क्लोज क्वेश्चन और टैग क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से डिफाइन किया है। जिस टाइप से हम क्वेश्चन को पुटअप करते हैं वो सारी चीज मैंने उसमें बताई है। तो मैं आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्किल में जिनको नीड अच्छी इंग्लिश सीखने की, जो अब तक फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, उनको उनको लेट देम नो एंड कम बैक टू द विद योर नीड ऑफ द टाइम। अपने समय पर जो उनकी जितना भी समय हमारा खराब हुआ है, जो भी हुआ है, लेकिन अब नए सिरे से स्टार्ट करें और हमारी वीडियो लेसन के थ्रू अपनी स्टडी करें। तो मैं इतना ही बताना चाहूँगा। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।